हे एवरीवन, मैं हूँ सावित्री और आप देख रहे हैं राधा की रसोई बाई SJS। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार एकदम मार्केट स्टाइल मैंगो फ्रूटी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी को राधे राधे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं मेरे तरीके से। तो फ्रेंड्स, फ्रूटी बनाने के लिए यहाँ पर लिए हैं 2 पका हुआ आम है, तो आप किसी भी वैरायटी का आम ले सकते हैं। मेरे यहाँ जो आम मिला है वो ली हूँ, आपके यहाँ जो अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। बस ध्यान देना है कि आम मीठा होना चाहिए, खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मीठा आम लेंगे तो आपकी फ्रूटी एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी बनेगी फ्रेंड्स। थोड़ा भी इसमें डिफरेंट नहीं आएगा। आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि जब तक नहीं बनाएंगे आपको यकीन नहीं होगा। तो यहाँ पर एक कच्चा आम है, इसको स्टोर किए थे, इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोग के साथ। तो उसी में से आम लिए हैं, बाकी फ्रेश आम हो तो वो भी आप ले सकते हैं। कच्चा आम टोटल 1 है। तो इसके छिलके को निकाल करके पल्प को निकाल लिया पके हुए आम को, और जो कच्चा आम है इसको भी थोड़ा सा छोटे छोटे इसके पीसेज कर देंगे ताकि पीसने में आसानी होगी। तो यहाँ पर सारा आम कट चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, अब इसमें डाल देंगे आम को और इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा अभी पानी यहाँ पे ऐड नहीं करना है। तो 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल करके इसको एकदम पीस लें, और एकदम स्मूथ पीसना है, इसमें थोड़े भी कड़ ना रह जाए आम के। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिश्र आम पीस करके एकदम तैयार हो चुका है। 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे, एकदम आसानी से पीस जाएगा। तो यहाँ पर कच्चा आम जो लिए थे इसको छोटे वाले ग्राइंडिंग जार में पीसेंगे, ताकि पके हुए आम के साथ एक ही बार ज़्यादा में इसको पीसते तो पीस नहीं पाता है, थोड़ा सा हार्ड होता है कच्चा आम। तो इसको भी 2 चम्मच पानी डाल के एकदम बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर जैसा देख सकते हैं कि एकदम बारीक पीस गया है ये भी कच्चा वाला आम भी, लेकिन दोनों आम को अब एक ही में मिला देंगे क्योंकि एक ही साथ पकाना है दोनों को। तो यहाँ पर आम तैयार है, अब चलते हैं गैस की साइड। तो यहाँ पे एक कढ़ाई लिए हुए हैं, इसमें सारे पल्प को डाल देंगे। और यहाँ पर मीठे के लिए 1 कप चीनी लिए हुए हैं, और आप चीनी थोड़ा सा 2-4 चम्मच कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मेरा आम मीठा है तो बस 1 कप लिए हुए हैं। अगर आपका आम थोड़ा खट्टा हो, ज़्यादा मीठा ना हो, तो 2 से 3 टेबल स्पून चीनी और बढ़ा सकते हैं, या जितना मीठा आपको पसंद है अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/2 कप यहाँ पानी डालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 1/2 कप पानी से ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। मिक्सर जार जो था उसमें भी थोड़ा सा पानी 1 चम्मच डाल करके धो दिए हैं, और इसको लगातार चलाते हुए बॉयल आने तक पकाते हैं। और यहाँ पर 2 से 3 उबाल आने देते हैं, और गैस का फ्लेम अभी हाई था लेकिन उबाल आने के बाद मीडियम कर लें। मीडियम फ्लेम पर इसको तब तक पकाएं जब तक ये मिश्रण जो है इसमें शाइनी सा ना हो जाए। तब तक जब आम अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसमें एक अलग ही शाइन आ जाएगी, और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा लाइट है। और जब पक जाएगा पूरी तरीके से तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो इसको लगातार चलाते हुए पकाएं। और फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। घर में ट्राई करके देखिएगा, मार्केट से कई गुना बेहतर होगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप घर में आप अपनी आँखों के सामने बनाएंगे, सारे नेचुरल चीज़ें होंगी। आम भी मार्केट वाले पके गले सड़े भी उसमें यूज हो जाता है, पता नहीं क्या क्या लोग यूज करते हैं, लेकिन आप इस फ्रूटी को घर में बनाकर देखेंगे बिल्कुल अंतर नहीं आएगा मार्केट से। इसमें 1 टीस्पून डाले हैं विनेगर, वाइट विनेगर है जो चाइनीज खाने में इस्तेमाल होता है, ये वही विनेगर है। तो विनेगर डालने से थोड़ी सी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और टेस्ट में कोई इसमें कमी नहीं आएगी। और मिश्रण देख सकते हैं कि पहले से थोड़ा सा ठीक हो गया है, और थोड़ा सा शाइन भी आ गई है, कलर भी चेंज हो गया है, जैसा कि देख सकते हैं कि बड़े बड़े बबल्स भी आ रहे हैं। तो इतना ही पकाना है, और साइड से भी आप देख रहे होंगे कढ़ाई में थोड़ा सा पपड़ी टाइप का आया है,
तो इसकी कंसिस्टेंसी इतना ही रहेगी और इतना ही पकाना है, इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इसे। अब इसे ठंडा होने देते हैं, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, उसके बाद ही इसमें कुछ करेंगे। तो यहाँ पर आम वाला जो मिश्रण है रूम टेम्परेचर पर आ गया है और इसको एक छलनी की मदद से छान लेंगे ताकि इसमें जो भी रेशे वगैरह होंगे तो निकल जाएंगे। तो सारा चीज़ डाल करके इसको चम्मच की सहायता से छान देंगे। और फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 1 से 2 चम्मच तक निकला है रेशे वगैरह जो भी होंगे। अब इस ये पेस्ट जो है एकदम स्मूथ बन करके तैयार हो चुका है, मिल गया है मुझे, देख सकते हैं। अब सारे चीज़ को अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर पानी डालेंगे 4 से 5 कप डालेंगे, क्योंकि फ्रूटी पतली ही होती है, बहुत गाढ़ी नहीं होती है, तो इस हिसाब से डालना है। तो यहाँ पर टोटल 4 से 4.5 कप पानी यूज की हूँ और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बस इतना ही रहेगी। और फ्रेंड्स, थोड़ा भी इसका लुक देखिए, पूरी मार्केट जैसे ही आया है। तो एक बार इस फ्रूटी को बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर में बहुत पसंद आएगा। मेरे यहाँ तो बहुत पसंद आता है, इस गर्मी में कई बार फ्रूटी बन चुकी और इसकी सेल्फ लाइफ है 1 महीने तक, आप फ्रिज में रख करके एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ तो 1 महीना चलेगा ही नहीं, 1 से 2 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो अब यहाँ सर्व कर लेते हैं। आपके घर में कोई भी छोटी मोटी पार्टी हो तो उसमें बना करके इस फ्रूटी को अपने मेहमान को ज़रूर पिला सकते हैं, बहुत ही आपकी तारीफें होंगी, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट एक फ्रूटी बनती ही है। और फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, इसके बाद आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।